दोस्तों आज बात करने वाले हैं कि ऐसे प्लान के जो एक कॉर्नर का प्लान है दो साइड आपका ओपन रहेगा, एक फ्रंट में और एक साइड में। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत प्लान डिज़ाइन करने की मैंने कोशिश की है और यहाँ पर आपको कार पार्किंग और बेहतरीन सा डिज़ाइन देखने को मिलेगा। अगर आप इस मॉडल को बनवाते हैं तो आपको फुली वेंटिलेशन मिलेगा, चारों तरफ से वेंटिलेशन देख सकते हैं, क्योंकि इधर भी रोड है तो आपको इधर भी मतलब विंडो पैनल वगैरह लगा कर दिए हैं। और बहुत ही बेहतरीन मॉडल है, इसका साइज है 30x30 मतलब सॉरी 33x40 33x40 फिट में बना हुआ है एक ही कॉर्नर का प्लॉट। तो अगर आपके पास भी ऐसी जगह है और आप भी ऐसा मॉडल चाहते हैं तो आप इस मॉडल को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन यहाँ पर बनकर रेडी हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके इस कॉर्नर पर, मतलब इधर से भी एक रोड गया है और फ्रंट से भी एक रोड गया है। इधर साइड की अगर बात करते हैं तो इधर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कार पार्किंग बनाई है और उसके बाद स्टेयर्स हैं जिससे आप ऊपर जा पाएंगे। तो इसी मॉडल को डिफाइन करने वाले हैं, तो आप बने रहिएगा इस वीडियो पे। और साथ साथ चैनल स्मार्ट हाउस को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिएगा, इससे आपको आने वाले सभी वीडियो लगातार मिल सकते हैं। तो बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। तो जैसे आप ग्राउंड फ्लोर पर पहुँचेंगे तो ये देखिए कार पार्किंग के लिए अलग स्पेस दिया है। स्टेयर्स से आप जैसे अंदर जाएंगे तो ये आपको एक स्पेस देखने को मिलता है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड पे आपको एक बेडरूम मिलता है, इसके लिए मैंने डोर बाहर से दिया है, सॉरी विंडो बाहर से दिया है। और एक राइट हैंड पर भी बेडरूम मिलता है, इसके लिए भी विंडो देखिए फ्रंट से और साइड से दोनों साइड से विंडो दिया है, इससे प्रॉपर तरीके से आपका वेंटिलेशन हो सके। और मेन डोर आपका ये है जहाँ से आप एंट्री करेंगे, जैसे एंट्री करते हैं तो इस दोनों बेडरूम में अंदर से ही मैंने डोर दिए, बाहर से कोई भी डोर नहीं है। और जैसे आप आगे बढ़ते हो तो आपको ये बेडरूम और देखने को मिलता है, यहाँ पर भी आपको ये डोर मिलता है। ये दोस्तों आपका किचन मैंने इस साइड बनाया है क्योंकि इसमें प्रॉपर वेंटिलेशन आपका आप जो आपका साइड में रोड है वहाँ से हो सकेगा। इधर आपका ये लेट बाथ है और इधर आपकी स्टेयर्स और उसके नीचे भी एक लेट बाथ बना रखा है मैंने। अगर आप केवल एक लेट बाथ रखना चाहते हैं तो आप इसे कंसिडर करें, नहीं तो आप इसको स्टोर रूम कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टेयर्स ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, ये थोड़ा बाहर निकला हुआ है, आप देख सकते हैं ये इधर आपका विंडो वगैरह भी मैंने दिया है। तो ये पूरा ग्राउंड फ्लोर पर आपको 3 बेडरूम लेट बाथ स्टेयर्स कार पार्किंग के लिए व्यवस्था देखने को मिल जाती है। ऊपर अगर हम पहुँचते हैं तो आप देखिएगा पूरे आगे वाले एरिया को मैंने लॉन में कन्वर्ट कर दिया है और साइड वाले एरिया पर भी देखिए बालकनी जो बना रखी है, इससे आपका थोड़ा स्पेस और बढ़ जाता है। पीछे आपका एक बेडरूम किचन लेट बाथ वगैरह बनी है, बाद बाकी सारा डिज़ाइन मैंने चेंज कर दिया है। ये आपका बालकनी वगैरह देखिए, इधर दोस्तों मैंने पैनल का इस्तेमाल किया है जिससे आपके घर में घर और भी थोड़ा अच्छा लगने लगेगा। देख सकते हैं ये टोटल ओवरऑल मॉडल। और लास्ट फ्लोर की अगर बात करें तो ये आपका बनकर रेडी होता है। ऊपर आप स्टेयर्स को मैंने ढकने के लिए गुमटी बना रखी है, ऊपर आप जैसे पहुँचेंगे तो एक बड़ा सा लॉन टाइप को आपको एरिया मिलेगा और ये आपकी गुमटी ढक जाती है। तो ये आपका 33x40 में 33x40 फुट में मॉडल पूरा बनकर रेडी हुआ है। अगर आप भी ऐसे मॉडल चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। या आप किसी अन्य प्रकार का घर या कुछ भी डिज़ाइन करवाना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ये मॉडल आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और चैनल स्मार्ट हाउस को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करके जाइएगा। थैंक्स वॉचिंग।